सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। प्रवासी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का प्रवासी प्रॉपर्टीज के शो के स्वागत है। मैं हाँ थोड़ी होस्ट राखी। जिदा कि असी हर वीकेंड थोड़े लिए एपीसोड लैके आए हैं, तो थोड़े लिए जानकारी लैके आए हैं, चाहे वह कोई भी इन्वेस्टर्स की हो, चाहे वह बाय करना हो, सैल करना हो, घर या कोई भी कोंडोज होन, सैमी डिटैच हाउस होन या डिटैच हाउस होन, तो हर बार थोड़ा मिलाने नवी शख्सियतों के नाल। तो इस बार असं थोड़ा जहा डिफरेंट लैके आए हैं ऐतकी। असी ना ही सिर्फ एक गैसट बल्कि असी दो गैसट नाल थोनों मिलवा जा रहे हैं। एक है अभय माथुर जी, तो एक है मोहम्मद फैजल मौलदीना। असी दो शख्सियत नाल थोनों मिलावांगे, तो उन्होंने ना ही सिर्फ रियल स्टेट के मार्केट के बारे बल्कि वो अलावा भी होर बहुत इंट्रस्टिंग गल् करा। सर, सब तो पहला तो मैं थोड़े दोनों का स्वागत कर रही हूँ शो दे। थैंक यू। राजस्थान, उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली की है, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जो इंडिया में लोग रहते हैं उनको मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता होगा, वो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके बाद मैं वहाँ पर टॉपर था, तो फिर उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप पे इटली भेज दिया पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने इटली में भी पढ़ाई की है, और मैंने टर्बाइन स्पेशलिस्ट था मैं उस समय, मार्केटिंग करता था, MBA किया मैंने वहाँ से। फिर उसके बाद मेरी जो जर्नी काम की शुरू हुई, मैंने कुछ साल इटली में काम किया, फिर उसके बाद मैं इराक में चला गया, और फिर उसके बाद मैं लीबिया गया, कुवैत में गया, जॉर्डन, सीरिया, और जो बहुत सारी कंट्रीज़ में जाकर मेरे को काम करा, क्योंकि हमको टर्बाइन्स बेचने का काम था। आप सोच रहे होंगे कि टर्बाइन बेचने वाला आज रियल स्टेट की कैसे कैसे आया, तो वो मेरी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, और मैं आई हैव ट्रेवल्ड एंड वर्क ऑलमोस्ट इन 56 कंट्रीज। और कैनेडा में आता था, कैनेडा की एक कंपनी है, उसके लिए मैं वहाँ पर डायरेक्टर था इंडिया में, मैं उसका अभी नाम नहीं लूँगा फॉर सम रीज़न। और फिर उसके बाद मैं कनाडा आता था, मॉन्ट्रियल में उनका ऑफिस था, तो चला जाता था। मुझे कनाडा हमेशा से बहुत पसंद था, बट मुझे कभी पता नहीं था कि भाई हम उस यहाँ पर कनाडा में एंड करेंगे जी। और 2010 में मैं यहाँ पर कनाडा में आया। ठीक है, ये मेरी अभी तक की जर्नी है, छोटी सी, वैसे तो बहुत है। और मेरी एजुकेशन भी है, मैं बच्चों को पढ़ाता भी था, MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, और मैं ट्रैवल करता था, बहुत सारी कंपनीज मुझे बुलाती थी लेक्चर देने के लिए। इसके बारे में हम और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम चलते हैं मोहम्मद फैजल जी के पास। हेलो जी। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अब मैं आपसे थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में। मेरी जर्नी बहुत छोटी सी जर्नी है जी। आई केम टू कनाडा व्हेन आई वाज 1 ईयर ओल्ड। एक साल का था जब मैं कनाडा आया था जी। और उसके बाद फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 19 मेरी जर्नी जो कि चूँकि ये प्रोग्राम रियल स्टेट के हवाले से है, तो मेरा जो रियल स्टेट की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1998 से, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रियल स्टेट लाइसेंस लिया। क्योंकि मेरा पैशन जो रियल स्टेट के लिए था वो तकरीबन समझें बचपन से ही था, व्हेन आई वाज रियली यंग, जब से मेरा एक पैशन था रियल स्टेट के लिए। फिर 1998 में फ़र्स्ट टाइम मैंने रियल स्टेट लाइसेंस लिया, एंड आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रियल स्टेट एंड लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। और उसके बाद ईयर 2000 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें मुझे दुबई की वन ऑफ द लीडिंग डिवेलपर्स एंड वन ऑफ द लीडिंग रियल स्टेट कंपनी के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर का मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, जिसमें मुझे उन्होंने जॉब ऑफर किया। तो वहाँ जाके मैं रियल स्टेट कंपनी की अपनी टीम बनाया, अपने लोगों को मैंने एजुकेट किया, और जहाँ जब से वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है रियल स्टेट की, जो कि मैंने जो सही मानों में जो फ्लरिश किया रियल स्टेट को दुबई में किया, जिसमें मैंने डिफरेंट इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड काम किया, जिसमें मैं फिर हम वी वर वन ऑफ द मेजर स्पॉन्सर्स ऑफ सिटीस्केप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह जाके अपने व्हाट यू कॉल इट शोज करती है, उसके हम प्रीमियम स्पॉन्सर्स थे। लाइक आई वाज प्रीमियम स्पॉन्सर ऑफ सिटीस्केप सिंगापुर, प्रीमियम स्पॉन्सर ऑफ सिटीस्केप UK, देन प्रीमियम स्पॉन्सर ऑफ सिटीस्केप US, वाज आल्सो एन ऑनररी गेस्ट फॉर
of Prime Minister of Singapore, where I had to give briefing of real estate, that why real estate is one of the best choices and why real estate is the choice that that people should make, and how people can make money in real estate. So this was a little bit journey, and then 2009, due to some family issues, I decided to come back to Canada and also to explore Canadian market, and to, as like as you know, real estate, the UAE and real estate Canada is a very big, completely different and completely a bigger market, 10 times bigger than UAE. सो वहाँ पर किस तरह यहाँ पर इन्वेस्टर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ के लिए 2009 में आई केम बैक, आई एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ, एंड हियर टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, विल ट्राई माई बेस्ट टू शो द पीपल हाउ दे कैन मेक रियल स्टेट वर्क फॉर देमसेल्फ, नन अदर वर्ड. थैंक यू. मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी इजाजत लूंगी फिलहाल, एंड हम फिर से चलेंगे अभी माथुर जी के पास. सर, जैसे आपने पहले अभी मेंशन किया कि आपको ऐसे गेस्ट स्पीकर भी लोग जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफली बताएंगे? मैं, क्योंकि मेरी एजुकेशन इस तरह की थी कि मैंने मास्टर कर रखी थी, एमबीए कर रखा था, और भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, तो लोगों को लगता था कि कभी कभी बच्चों को, एमएटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो एमबीए के बच्चों को, बेसिकली मैं उनको मार्केटिंग के बारे में बताता था, तो इसलिए मार्केटिंग मेरा हमेशा से कोर सब्जेक्ट रहा है. जबकि मैं मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं मार्केटिंग करता था, इसलिए कभी कभी एयरक्राफ्ट की करता था, उनके स्पेयर पार्ट्स की करता था, टर्बाइन की करता था, इसलिए लोग मुझे मार्केटिंग के ऊपर लेक्चर देने के लिए बुलाते थे. वही मेरी जर्नी थी, और मैं हमेशा से बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मैं कंसल्टेंट रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि जो लोग अपनी फील्ड में थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो रियल स्टेट भी मैं लोगों के लिए अच्छा करूँगा. रियल स्टेट में बहुत सालों से कर रहा हूँ, वैसे ऐसे नहीं था. इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है यूनिटेक. जो लोग दिल्ली से हैं या गुड़गांव से हैं उनको पता होगा, मैं यूनिटेक में हेड था, मार्केटिंग हेड, जो रियल स्टेट बेचते थे, जो साउथ सिटी है पूरी की पूरी मैंने डेवलप कराई है वहाँ पर. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे अभय माथुर जी एंड मोहम्मद फैजल जी के साथ. Hi, my name is Abhay Mathur, working with Revel Realty, and today I'm going to present the most luxurious townhouse in the heart of Niagara Falls. This is very close to all kind of amenities like school, colleges, and Penn Center is very walkable distance, very close. Anybody wants to have any information about this luxurious townhouse, they can always contact me on my cell, that is 905-978-3788. प्रवासी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है प्रवासी प्रॉपर्टीज दे शो दे विच. जिदा कि असी ब्रेक तो पहला गल कर रहे सीगे अभय माथुर होना नाल, ते नाल ही मोहम्मद फैजल जी दे नाल, असी फिर उन्हां दे नाल गल करदे आ. सर, जिदा कि तुसी ब्रेक तो पहला सानू दस्या तुहाडी जिहड़ी जर्नी सीगी उहदे विच, सर मैं तुहानू पुछूंगी जिदा तुसी दस्या वी तुसी दुबई गए सीगे रियल स्टेट दे ही इन मार्केटिंग दे विच ही उत्थे तुसी जॉब कीती आ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੁਬਈ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ. ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਹੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦੁਬਈ ਐਂਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਮਚ ਮੋਰ ਮੈਚਿਓਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੈਨ UAE. ਠੀਕ ਹੈ. UAE ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਮੋਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਓਵਰ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ. There's a lot of speculation in Dubai market. And one of the major problems in Dubai was they're all investors in Dubai. Okay. And they're all expatriates in Dubai. Here people are actually residents of Canada. They are temporary resident over there. So this is one of the significant difference hai jo ke hai yahan par. Aur uske alawa yahan ki jo market hai ye bahut vast hai. Okay.
और इधर मार्केट के अंदर बहुत रूम है इस वक्त. जैसे कि आपको पता होगा इस वक्त 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स हमारे कनाडा में आने वाले हैं. बिल्कुल. और हमारी नई पॉलिसीज के हिसाब से तब जब ये 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स आएंगे कनाडा में तो हमारे पास सप्लाई कहाँ है. हमारे पास तो घर ही नहीं इनको देने के लिए. तो हमें मतलब अगर आप देखा जाए तो दी मार्केट विल राइज, द प्राइसेस विल गो अप unless and until we do not have enough supply of it. तो अगर हम अगर enough supply create नहीं करेंगे तो demand तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. और जो भी economics आपकी कहती है supply और demand के situation के ऊपर, so इस वास्ते ये जो Canadian market है there's a lot of room. और जो significant difference between Canada and Dubai is the Canadian is a much more mature market than UAE and there is more reality here and there are more end users here than in Dubai. Dubai is more like in speculation and more investors. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਵੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਵੀ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਵਿੱਚ. जो वहाँ इंडिया की जो मार्केट है वो ज़्यादातर जो लोग लेते हैं उस समय जब जब हम रियल एस्टेट करते थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने रहने के लिए लेते थे. जो कनाडा की मार्केट में जो डिफरेंस है वो इनिशियली लोग इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा परसेंटेज है और एक्चुअल रहने के लिए कम परसेंटेज है. मगर सरप्राइजिंगली अभी मैंने पिछले दिनों डाटा देखा था, जो हमारा ब्रैम्पटन या पील रीजन है वहाँ पर 80% लोग जो रहते हैं वो दे आर ओनिंग द हाउसेस. और जो बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात थी, मेरे को नायग्रा फॉल हमेशा से बहुत ही पैशनेट लगा है और नायग्रा फॉल मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और आई एम श्योर आपको भी पसंद होगा, सबको पसंद होगा. हाँ, और वहाँ पर रियल स्टेट करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है. उसके पीछे दो बेसिक रीज़न है, एक तो नायग्रा फॉल बहुत ही सुंदर है और एनवायरनमेंट भी वहाँ का बहुत अच्छा है और अभी वहाँ के जो प्राइसेस हैं घरों के प्रॉपर्टीज़ के वो अभी GTA वगैरह से काफ़ी अच्छे हैं जो थोड़े से दिन के अंदर बढ़ जाएंगे. दूसरा ये है कि मेरी इटालियन बैकग्राउंड है तो ज़्यादातर वहाँ पर जो बिल्डर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लैंड ओनर हैं वो सारे इटालियन हैं. मैं उनके साथ खेलता हूँ, बातें करता हूँ तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहता हूँ उन लोगों के साथ में. इसलिए मुझे नायग्रा फॉल में रहना भी पसंद है, मैं रहता भी हूँ और रियल एस्टेट करना भी पसंद है. वैसे मेरे साथी फैजल मेरे को यहाँ से लोगों को जब भी नायग्रा फॉल के बारे में कुछ जानना होता है तो वो ये भेज देते हैं, मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ. और रियल एस्टेट के अलावा भी मैं लोगों को जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसको भी मैं शेयर करता हूँ, बिकॉज आई लिव्ड एंड वर्क इन एटलीस्ट 56 countries. Wow. तो वो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है तो लोगों के साथ, और एजुकेशन का भी है. मैं बहुत एजुकेशन के बारे में बहुत पैशनेट रहता हूँ तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं. मेरा मेन काम, मेन एम ये नहीं है, वैसे रियल एस्टेट मुझे पसंद है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, बट लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ कि रियल एस्टेट में क्यों पैसा लगाना चाहिए, नायग्रा फॉल में स्पेशली क्यों लगाना चाहिए. उसके अलावा भी लोगों की कोई ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं इस लायक हूँ तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ. तो मैं भी अपने दर्शकों को यही गल कहूँगी भी अभय माथुर जी होन या मुहम्मद फैजल जी होन, ये ना ही सिर्फ रियल स्टेट के मार्केट के बारे, ना ही सिर्फ थानू बाय या सैल कर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग थोड़े नाल गल करेंगे, बल्कि वो दे अलावा भी थानू ये एजुकेट भी करेंगे कि रियल स्टेट मार्केट दे विच किस तरीके दे नाल कदों कदों कितना पैसे लगाई दे है, कितना इन्वेस्ट करीदा है, केड़ी लोकेशन दे अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करीदा है. सानू बहुत ही वधिया लग्या इन्हां नाल गल करके. सब तो पहला तो मैं दोनों का धन्यवाद करूँगी. सो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया साडे शो दे विच. थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू राखी जी. मैं तुहानू एक गल कहांगा, मैं सारे दर्शकों नूं कहना चाहुंदा मैं कैनेडा आने वास्ते पंजाबी सीखी है,
ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਝਿਜਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।